तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे कार डील के चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिक्स सेगमेंट में गाड़ियाँ। जो लोग चाहते हैं सस्ती गाड़ियाँ और मेंटेनेंस जिसकी कम हो, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। जो चाहते हैं सेडान गाड़ी चलाना जिसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी हो और मेंटेनेंस भी हो, साथ ही साथ सनरूफ भी हो उसमें, तो वो भी आपके लिए आज हम दिखाएंगे। और लोग चाहते हैं कि अंडर 10 में लग्जरी गाड़ी, तो वो भी आज हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं तो आप हमारा शोरूम विजिट कर सकते हैं। आपको एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारा एड्रेस ले सकते हैं या लोकेशन मांग सकते हैं। हमारे शोरूम पे विजिट करिए और किसी भी मॉडल की कोई भी गाड़ी आप लेके आ सकते हैं, और विद इन एक घंटे के अंदर हम आपको उस गाड़ी का कैश आउट आपको कर देंगे, या अगर आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी को एक्सचेंज भी करा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी गाड़ियों की तरफ आज की। तो जो पहली गाड़ी होगी वो हमारी रहने वाली है मर्सिडीज़, 2013 मॉडल है, ब्लैक कलर में देख सकते हैं, E220 नई शेप में है। इंटीरियर जो इसका है उसमें आपको हैंड वाले गियर्स मिल जाते हैं जैसे रोल्स रॉयस में आते थे, वो आपको अंदर से भी दिखा दूंगा। तो पहले जो हम बाहर की बात करेंगे, फीचर्स आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, हेडलाइट वॉशर्स, सेंसर भी आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। और ई क्लास देखें तो बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी होती है, और फ्रंट की लुक आप देखें तो बहुत क्लासिक में होती है। साइड की तरफ देखेंगे तो आपको कंपनी फिटेड अलॉयज मिल जाएंगे जो मर्सिडीज़ के हैं। और टायर कंडीशन की बात करूं तो 75% से ऊपर अभी टायर कंडीशन बचे हुए हैं। टॉप मॉडल है, अवंत ग्रेड है, साइड फोल्ड मिरर्स ऑप्शन है, कीलेस एंट्री है गाड़ी में, सनरूफ मिल जाता है, बैक कैमरा, बैक सेंसर, सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। तो देखते हैं अंदर आपको और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, चलते हैं आप अंदर गाड़ी के। तो बाहर से आपने वॉक अराउंड गाड़ी की देख ली है, अब आ गए हम गाड़ी के अंदर। और अंदर के फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आप फ्रंट में देखेंगे डैशबोर्ड इसका, सब कुछ कंपनी फिटेड गाड़ी में लगा हुआ है। स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं तो सबसे पहले आप मर्सिडीज़ का लोगो देख सकते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा है। एयरबैग आप देख सकते हैं आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में 10, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग सीट पर आपको एयरबैग मिल जाएगा। स्टेयरिंग कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके गियर्स जो हैं यहाँ पे मिलते हैं, जैसे रोल्स रॉयस में आते हैं वैसे ही इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं क्योंकि गाड़ी नई शेप में है। फ्रंट में देखेंगे तो सिर्फ 70,000 हमारी ये गाड़ी चली हुई है। डिजिटल मीटर है, उसमें आपको सारी गाड़ी की डिटेल आ जाएगी और सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पर ही दिख जाएंगी। आगे की तरफ देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कंपनी फिटेड है, और उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं अवंत ग्रेड की बैजिंग है, और यहाँ पे आपको डबल जोन में क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। दोनों की तरफ आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, पैसेंजर और ड्राइवर सीट को अलग अलग। यहाँ पे देखेंगे तो ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, और यहाँ से आप अपने आगे कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ से आप देखें तो स्पोर्ट्स मोड गाड़ी का चेंज कर सकते हैं। स्टोरेज आपको मिल जाती है काफ़ी अच्छी इस गाड़ी में, लेदर सीट कवर्स जो लगी हुई हैं बिल्कुल नीट और बहुत साफ़ है, क्रीम कलर में है और कंपनी फिटेड है। और दोनों फ्रंट के जो सीट्स हैं उसमें आप देखेंगे तो मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं, और कंट्रोल जो है वो आपको दरवाजे पे मिल जाएंगे, आप उस तरफ देख सकते हैं। मेमोरी सीट्स और कंट्रोल आपको दोनों तरफ फ्रंट में दरवाज़ों पे मिल जाते हैं। एयरबैग 10 बताए मैंने आपको, तो काफ़ी सेफ्टी भी है। और चाहें तो इस गाड़ी को आप मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं, इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्ट भी मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सनरूफ मिल जाती है आपको, फ्रंट बैग में आपको गाड़ी में सेंसर मिल जाएंगे। तो हर चीज़ लग्जरियस है, बहुत स्पेसियस है, गाड़ी साफ़ सुथरी है और बहुत जेन्युइन चली हुई है। सिर्फ 70,000 गाड़ी हमारी चली हुई है। फ्रंट से आपने पूरी गाड़ी देख ली है, आप चलते हैं बैक सीट पे और देखते हैं और क्या फीचर्स इसमें मिल जाएंगे आपको। बैक सीट पर आप देखेंगे तो दरवाजे से शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं वुडन वर्क भी है और साथ ही साथ इसमें लेदर भी लगा हुआ है। और बैक विंडो पर कर्टन मिल जाते हैं जिसको आप मैनुअली यूज़ कर सकते हैं, दोनों दरवाज़ों पे आपको मिल जाएंगे। अंदर की तरफ देखेंगे क्रीम कलर के सीट कवर्स हैं, लेदर के बीच में आर्मरेस्ट है और ग्लास होल्डर विद स्टोरेज। साइड में अगर आप देखें तो एयर वेंट्स आपको किनारों पे भी मिल जाएंगे और सेंटर में मिल जाएंगे, और कंट्रोल बैक के एसी का आपको सेंटर में मिल जाएगा। पीछे वाली विंडो देखेंगे तो कर्टन मिल जाएगा उसमें, और उसको आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं फ्रंट से। तो वॉक अराउंड और डिटेल आपने गाड़ी की देख ली है, अंदर से बाहर से बिल्कुल मेंटेन्ड है, कम चली हुई है, 70,000 सिर्फ चली हुई है, 2013 मॉडल, न्यू शेप, हैंड गियर वाली,
ब्लैक कलर, दिल्ली रजिस्टर्ड है और वेरिएंट गाड़ी का E220 है, तो एवरेज भी काफ़ी अच्छी गाड़ी की होगी। अब बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो आस्किंग हमने इस गाड़ी की रखी है 9,95,000 गाड़ी की आस्किंग है, मेंटेन्ड है, और अंडर 10 लाख 2013 मॉडल आपको गाड़ी मिल रही है। तो चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो आज की हमारी अगली गाड़ी है होंडा सिटी, 2014 मॉडल है, डीजल में। जो लोग चाहते हैं कि दिल्ली में या आउट ऑफ दिल्ली चलाना गाड़ी, जो सेडान हो, जो अच्छी लगे और एवरेज भी काफ़ी अच्छी हो विद सनरूफ, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। 2014 है, एवरेज की बात करूं तो 18 से 20 प्लस ये आपको एवरेज देगी। हरियाणा रजिस्टर्ड गाड़ी है और सिर्फ 68,000 गाड़ी चली हुई है। अंदर से फीचर्स दिखाने से पहले बाहर से आपको थोड़ा वॉक अराउंड दे देता हूँ। बाहर से फ्रंट से आप गाड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैचलेस है। अगर अलॉयज़ की बात करूँ तो कंपनी फिटेड अलॉयज़ है गाड़ी में, और चारों बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर गाड़ी में लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ आपको सनरूफ भी मिल जाता है, देख सकते हैं। ऑटोमेटिक साइड 4 मिरर्स है गाड़ी में। ये सारे फीचर्स बाहर से छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे। टॉप वेरियंट है गाड़ी का। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक बार अंदर से भी देख लेते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं गाड़ी में। गाड़ी का वॉक अराउंड बाहर से आपने देख लिया है। टॉप मॉडल है, VX वेरिएंट है गाड़ी का। हाई परफॉर्मेंस, हाई एवरेज और फीचर सारे गाड़ी के टॉप वाले हैं। तो एक बार अंदर से दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिलेगा इसके अंदर आपको। स्टेयरिंग पे आप देख सकते हैं कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल आप देख सकते हैं गाड़ी में मिल जाएगा आपको। और अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट में अगर आप देखें डिजिटल मीटर पे सिर्फ 65,000 हमारी गाड़ी चली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी फिटेड है, इसका स्टीरियो सिस्टम लगा हुआ है जिसके कंट्रोल्स आप यहाँ देख सकते हैं। पुश स्टार्ट बटन गाड़ी है, टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स टॉप वाले हैं। क्लाइमेट कंट्रोल देखें तो वो टच में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है आपको। यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो समझिए 18 से 20 की एवरेज आपको गाड़ी बहुत आराम से निकाल देगी। सेंटर में स्टोरेज भी मिल जाएगी आपको, और सीट कवर्स आप देख सकते हैं क्रीम कलर के लगे हुए हैं। सेफ्टी की बात करूं तो 4 एयरबैग्स गाड़ी में आपको मिल जाते हैं, और ऊपर सनरूफ आपको मिल जाएगी। सारे फीचर्स गाड़ी के वर्किंग कंडीशन में है। टॉप मॉडल है, 65,000 गाड़ी चली हुई है सिर्फ हमारी है। हरियाणा रजिस्टर्ड है, कम चली हुई, सारे फीचर्स गाड़ी में है। अब चलते हैं बाहर की तरफ और एक बार बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो बाहर से वॉक अराउंड हो गया गाड़ी का, अंदर से आपने डिटेल देख ली है। टॉप मॉडल VX वेरिएंट है, मैरून कलर है, बहुत लिमिटेड कलर मिलता है, और काफ़ी सेल हुआ था जब गाड़ी निकली थी। पूरी मेंटेन, स्क्रैचलेस, 65,000 चली हुई है, हरियाणा रजिस्टर्ड है। सनरूफ और पुश स्टार्ट जैसे ऑप्शन भी इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो हमने आस्किंग रखी है इसकी 4,95,000, 4,95,000 इसकी आस्किंग है। फुली मेंटेन्ड है, सिर्फ आपने डीजल डलाना है गाड़ी में और चलाना है। तो चलते हैं आज की आखिरी गाड़ी की तरफ। तो आज की जो हमारी आखिरी गाड़ी है वो है बजट में आपके 2014 डिज़ायर LDI वाइट कलर में है, जो काफ़ी अच्छे प्राइस में है और मेंटेनेंस आप सभी को पता है काफ़ी कम होती है, और एवरेज 25 के अराउंड ये आपको बहुत ईजीली निकाल देगी। अंदर से स्पेस भी होता है काफ़ी, और फीचर्स भी गाड़ी में अच्छे मिल जाते हैं आपको। स्क्रैचलेस मेंटेन्ड है, सिर्फ 75,000 गाड़ी हमारी चली हुई है। फीचर्स की बात करूँ तो अंदर आपको कंपनी फिटेड स्टीरियो सिस्टम मिल जाता है, और साथ ही साथ दोनों जो फ्रंट विंडो है वो ऑटोमेटिक है, LDI वेरिएंट है। चारों टायर जो गाड़ी के हैं वो ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, और इस गाड़ी की बात करूँ तो बहुत ईजीली मेंटेन होती है गाड़ी। जो लोग चाहते हैं कि डेली यूज़ में काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड और कम खर्चे वाली गाड़ी, जो आपकी मेंटेनेंस भी कम हो और जिसमें आपका एवरेज भी काफ़ी अच्छा आ जाए, उनके लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी रहेगी ये। तो एक बारी थोड़ा अंदर से आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। इंटीरियर गाड़ी का आप देख सकते हैं, बहुत साफ़ सुथरा है, कंपनी फिटेड सब कुछ लगा हुआ है गाड़ी में। म्यूज़िक सिस्टम भी आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन गाड़ी का जो है वो मैनुअल है। स्टोरेज आपको बीच में मिल जाती है, और फ्रंट के जो दोनों विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिक हैं कंट्रोल। स्पेस आप देख सकते हैं काफ़ी है गाड़ी में। बेज कलर के अंदर आप देख सकते हैं सीट कवर्स लगे हुए हैं। तो गाड़ी का वॉक अराउंड आपने देख लिया है, 2014 मॉडल है, 75,000 गाड़ी चली हुई है, दिल्ली रजिस्टर्ड है, एवरेज काफ़ी अच्छी है, मेंटेन्ड है, LDI वेरिएंट है गाड़ी, और अंदर बाहर से भी आपने देखी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब बात करेंगे प्राइसिंग की, तो आस्किंग हमने इस गाड़ी की रखी है 3,40,000, 3,40,000 वो भी नेगोशिएबल है, ऑन टेबल। आप जब आएंगे हमारे शोरूम विज़िट करेंगे तो हम बिल्कुल आपके लिए नेगोशिएट आपके लिए बिल्कुल करेंगे। अब
ये तीनों गाड़ियां जो हमने आपको दिखाई हैं आज की, बहुत मेंटेन्ड है और हर एक सेगमेंट में है। अगर सस्ती चलाना चाहते हैं तो वो भी है, अगर सेडान चाहते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हों तो वो भी है, और लग्जरी गाड़ी चाहते हैं तो वो भी हमने आपको दिखा दी है। और तीनों गाड़ियाँ अंडर 10 लाख में हैं। कोई भी गाड़ी आज आपको पसंद आई हो तो उसको आप बुक करा सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। किसी भी नंबर पर कॉल करके गाड़ी की डिटेल ले सकते हैं, उसे बुक करा सकते हैं। अगर पर्सनली आप देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, cardeal.nsp के नाम से हमारा पेज है, उस पेज पर जाएँ और जितनी अवेलेबल गाड़ियाँ हैं उनकी डिटेल और आज की वीडियो की गाड़ियाँ हैं उनकी भी डिटेल आपको विद पिक्चर मिल जाएंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप कैसी गाड़ियाँ देखना चाहेंगे, बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।